मॉर्निंग वॉक ऊपर निकळेली મહિલાને સુરતમાં એક કાર ચાલકે અડફેટે લઈ ફરાર થઈ ગયો હતો। અકસ્માતના બનાવમાં મહિલાનું મોત નિપજ્યું હતું, જો કે આ બાબતે મૃતક મહિલાના પરિવારના સભ્યોના ગંભીર આક્ષેપ સામે આવ્યા છે, જેથી હવે આ અકસ્માત છે કે હત્યા તે તપાસનો વિષય બની ગયો છે। સુરતમાં કારની અડફેટે મહિલાનું મોત, મહિલાના મોત અંગે પરિવારજનોના ગંભીર આક્ષેપ। पूना कुंभारिया रोड पर आवेली रघुवीर सिलियम नजीकना सर्विस रोड पर फोटा में देखाती 21 वर्षीय शालिनी नु अकस्मात थता सारवार अर्थे खसेड़वामां आवी हती अने फरज पर हाजर तबीबो द्वारा शालिनी ने मृत जाहिर करी हती। शालिनी ना परिवार द्वारा मामले गंभीर आक्षेप करवामां आवी रह्या छे कि शालिनी नी हत्या करवामां आवी छे अने अकस्मात खपाववानो प्रयास पति करी रह्यो छे। पतिनु पोलिस ने कहेवुं छे के अजाण्या वाहननी टक्करने कारणे आ अकस्मात थयो हतो, परंतु शालिनीना परिवारना सभ्यो हत्यानो आरोप लगावी रह्या छे कारण के शालिनीना नामे हतो लाखो रूपियानो वीमो। मॉर्निंग वॉक पर निकळेली महिलानु आकस्मिक मौत के पछी हत्या। मॉर्निंग वॉक पर निकळेला दंपतिमां महिला ज अड़फेटे केम आवी। पति अनुजनी एक बहन छे जेनुं नाम छे नीरू उर्फे पूजा अने तेना भाभीना नामे 15 लाखनो ओनर वीमो हतो। ज्यारे डिसेम्बरमां लीधेली ट्रकनो वीमो 30 लाख रूपियानो करावामां आव्यो हतो। पॉलिसी क्लेम करवा माटे भाई बहने कावतरू रचीने हत्या करी नाखी छे, जेमां शालिनीना ससरा सोहन सिंह पण आ कावतरामां सामेल होवानुं शालिनीना परिवारना सभ्यो जणावी रह्या छे। बेटी एक महीना पहले आई थी मेरे पास, बेटी ने कहा माँ इसने बीमा कर दिया मेरे नाम पर, माँ मुझे ये मार देंगे, मारने की धमकी देते हैं, माँ मुझे मार देंगे, मारने की धमकी देते हैं, मैं उनके पास नहीं जाऊंगी, बेटी को भेज दिया है। ये किसी लड़की से बात भी करता था, कहता था मैं तुझको किसी कीमत पर नहीं रखूंगा, मैं दूसरी शादी करूंगा। माँ ने कहा बे माँ मुझे बुला लो, जब तक लेने को आ रहे थे तब तक बेटी की हत्या कर दी। मेरी बेटी को इतना मारते थे उसकी नंद उसकी पति मेरी बेटी को बेहोश कर देते। मैं किसान हूँ, मैंने कर्जा निकाल के इसकी सारी पैसे जमा किए, सारे पैसे दिए, फिर भी बेटी को इतना परेशान करता था मेरी बेटी को पेट भर के भोजन नहीं दिया। 15 दिन से जबरदस्ती इस बेटी को मेरी को घूमने ले जाता था, 5 बजे बेटी मेरी खाती थी मैं नहीं जाऊंगी, जबरदस्ती खींच के गेट से बेड से और गेट तक खींच के ले जाता था कि चल जल्दी घूमने जा चली गई मेरी बेटी को। मेरी बेटी के बदले मुझे बेटी चाहिए, मैं इतने हाथ जोड़ती हूँ, मेरा न्याय किए, मेरे बेटी के पीछे मेरा न्याय कर दो। मेरी बच्ची के साथ में ये हुआ है तो ये उसकी बच्ची के भी साथ में करेगा ये काम। मेरी बच्ची के साथ जो काम हुआ उसकी बच्ची के साथ होगा, मेरी बेटी का मुझे न्याय चाहिए। मैंने जन्म दिया था बेटी को, माँ ने आंचल का दूध पिलाया था बेटी को, मुझे बेटी चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, बेटी का मुझे न्याय चाहिए। પતિએ મહિલાના નામે લીધેલો હતો મસ્ત મોટો વીમો। અકસ્માત મોત કે પછી વીમો પકવવાનું ષડયંત્ર। કુંભારિયા ગામની સારથી રેસિડેન્સીમાં રહેતા અનુજ યાદવે પોતાના નિવેદનમાં લખાવ્યું છે કે 8 જાન્યુઆરીના રોજ તે પત્ની શાલિની સાથે સવારે 5 કલાકે મોર્નિંગ વોક પર નીકળ્યો હતો અને કાર ચાલકે શાલિનીને અડફેટે લીધી હતી। મહત્વની વાત તો એ છે કે ફેબ્રુઆરી 2017માં શાલિનીના લગ્ન થયા હતા અને 3-4 મહિના પછી જ તેને પરેશાન કરવાનું શરૂ કર્યું હતું। અનુજની બહેન પૂજા ઉર્ફે નીરુ પણ હેરાન ગતિ કરતી હતી। આ કારણોસર પુત્રીને તેમના પિતાના ઘરે લઈ આવ્યા હતા, પરંતુ 1 મહિના પછી બોલાવી લીધી હતી। વર્ષ 2018માં 5 લાખ રૂપિયા મંગાવવામાં આવ્યા હતા તો સસરા દ્વારા 2 લાખ રૂપિયા આપ્યા છે। બટાકાનો પાક તૈયાર થતાની સાથે જ 3 લાખ આપવાનું વચન આપ્યું હતું।
દીકરી સાથે ફોન પણ રાખ્યો ન હતો। હત્યાની શંકા એટલા માટે છે કે આ બધા લોકો સવારે 10 કલાકે જાગવા વાળું પરિવાર છે અને સવારે જબરદસ્તી મોર્નિંગ વોક માટે લઈ જવાનું શું કારણ હોઈ શકે। शादी 16 फरवरी 2017 में की थी, तो इनको सारा जिनने जितना मांगा था उससे ज़्यादा इनकी शादी की, और कुछ ही दिनों बाद 2 महीना बाद हमारी लड़की को इतना मारने पीटने लगे कि वो बेटी इनकी और पति दोनों लोग इतना मारते थे, लड़की बेहोश हो जाती थी। 2 महीना बाद इन्होंने हमारी लड़की से 5 लाख रुपये की मांग की, तो हमने कुछ 2 लाख रुपये इनके खाते में भेजे, और बाकी बाद हमने शेष वायदा किया हम और देंगे, हमारी लड़की को मत मारो, लेकिन इन्होंने नहीं माने। कुछ दिनों बाद हमारी लड़की को यहाँ पे हमारे पास छोड़ गए, 2-2.5 महीना लड़की हमारे पास रुकी, तो उस लड़की ने सारी बात बताई कि पापा ये किसी लड़की से बात करते हैं और ये कहते हैं कि तुझको नहीं रखूँगा, उसी से मैं शादी करूँगा सूरत में। तो लड़की को फिर मैंने नाना और मामा को बुलवाया, उन्होंने ये कहा कि मतलब इनको समझाया बुझाया अपने घर पर सब लोगों को, तो उन्होंने कहा कि अब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम लड़की को भेजेंगे। लड़की को वहाँ भेजा, तो उनके कहने पर भागे बाद फिर भी इन्होंने लड़की के साथ वही बदतमीजी की। ये इनकी लड़की पूजा को बहुत मारती थी, पीटती थी, और जब ये अपने फ़ोन से कभी बात नहीं कराते थे, हमारे लड़की के पास फ़ोन भी नहीं था और उसमें कॉल रिकॉर्डिंग रखते थे। जब हमारी लड़की की कभी सुबह शाम कभी बात कराते थे 10-15 दिन में, तो मतलब खड़े हो जाते थे कि कोई एक साफ शब्द नहीं बोलेगी, अपने माँ को कोई बात नहीं बताएगी किसी तरह की, डंडा को, और इनके पिताजी तो रिवॉल्वर लेके खड़े हो जाते थे, अगर तूने अपनी माँ को कुछ बताया तो तुझको मार देंगे। तो लड़की के पास अपनी रिकॉर्डिंग रखते थे फ़ोन में और अपने फ़ोन से बात कराते थे, और उसका अभी आके लड़की 2 महीना पहले हमारे घर पे आई थी, 2 महीना पहले घर पे आई, तब लड़की ने बताई थी कि माँ हमें मुझे ये मार सकते हैं, पापा हमको ये शक है कि इन्होंने हमारे नाम बीमा करा रखा है, हमको ये बिल्कुल शक है कि हमको ये मार देंगे, ये एक लड़की से शादी करना चाहते हैं, उसी के फोन में लगे रहते हैं, उसी के घर पर रहते हैं, उसी को मन्यता ले जाते हैं। उस दिन भी फ़ोन लड़की ने शाम को किया, तब भी इन्होंने उसकी रिकॉर्डिंग रखा रखी है, मतलब इनका ये काम था। हमारी लड़की के पास कोई 2-3 साल से फ़ोन नहीं था बिल्कुल, इसलिए हमको केवल एक ही साफ गुजारिश है कि माँ को मतलब न्याय मिलना चाहिए। हमको अभी ये भी शक है कि इन्होंने हमारी बड़ी लड़की को मार दिया, तो ये छोटी भी लड़की के साथ कुछ कर सकते हैं, इसलिए हमको भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे आदमी को दंड मिलना चाहिए। वे पुलिस पर पण लटकती तलवार, घटना एक रहस्य अनेक। अनुजना पितानु असली नाम छे सोहन सिंह मोहब्बत सिंह यादव। जरे सूरत मा आव्या बाद सोहन सिंह जनक सिंह यादव करी नाखवा मा आव्यु छे। गांधी प्रॉपर्टी मा सोहन सिंह मोहब्बत चाली रह्यु छे अने सूरत मा आव्या बाद बनी गयो सोहन सिंह जनक सिंह, मतलब कई तो गड़बड़ छे। सोहन सिंह ना नामे 70 लाख नी वीमा पॉलिसी छे, जेमा नॉर्मल डेथ मा 70 लाख बनसे अने एक्सीडेंट डेथ मा 1.5 लाख नो वीमा पॉलिसी लीधा। अने पोते जीवत होवा छता गाम मा रहेला सरपंच ने कीधु हतु कि मारी डेथ सर्टी बनावी आपजो, एवा आक्षेप पण करवामा आव्या छे। पूना पोलीसे पति अनुजनी फरियाद परथी अजाण्या वाहन चालक विरुद्ध गुनो नोंधवामा आव्यो छे, परंतु 8મીના રોજ બનેલી આ ઘટનામાં પૂના પોલીસની તપાસ સામે પણ શંકાની સોય ઊભી થઈ છે, કારણ કે પોલીસ પાસે કોઈ કડી હાથ લાગી નથી। સાલીલીનું મોતનું કારણ અકસ્માત છે કે પછી વીમા પોલીસી ક્લેમ કરવા માટે કરવામાં આવી છે હત્યા, જેવા અનેક સવાલો ઊભા થયા છે। કેમેરામેન રાહુલ મકવાણા સાથે દિવસ પરમાર, લાઈવ ગુજરાત ન્યૂઝ, સુરત।